में लोगों से भी बोल रहे हैं। उसके बाद शायद क्या है, वो हर किसान से शायद धान भी के खरीद में पैसे लिया गया। इसको भारे हो रहता था जैसे मान लो, बताओ ना सर को बताओ। अरे धान के लिए खरीद के समय में जैसे मान लो बोरा के लिए ये हो रहा है परेशान, तो पैसा नमी एक एकड़ ने बोले तो अभी धान में अगर थोड़ा सा मिट्टी है 1,000 रुपए लेना 500 रुपए लेना तो उसमें थोड़ी वो आती थी कली, तो बोले कली है तो ये मतलब थोड़ी मिट्टी है यानी नमी है, कई प्रकार से परेशान करना यानी पैसा दिए उसको तो कली ऐसा बोलो करके नहीं लाता है। पैसा दिए जो लाता है वो अनाज जो चीटिंग करके नहीं लाता है, लेकिन उसके भी ऐसा रहता है कि कभी मौसम की मार रहती है, कभी कुछ रहती है, कभी किसी कोंटे का अपना फसल कैसी हो जाती है, यानी 1920 है तो आप है तो उनसे काला बाजारी करके पैसे उगाओ। रेत का ढीक पे धान 200 बोरी ऊपर पलटाया हुआ दिखा। मैं गांव के प्रमुख 10-20 लोगों को बताकर एकत्रित करवाया, वहां देखा दिखाया सबको। दिखाने के बाद वहां खरीदी प्रभारी संजय तुलसीकार आया, आने के उसके बाद संजय तुलसीकार ने 4 हमालों को बुलवाकर माल को वहां से हटवाने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करते वो सफल भी हुआ, उसमें मैं फिर बाध्य किया पर माल को उसने उठवा के अलग किया और तमाम 10-5 ढेरों में रेत और माल धान रखा हुआ है। इसके बाद मैंने 181 पे कंप्लेंट किया, पूर्व अध्यक्ष शर्मा जी को बताया, राजस्व अधिकारी पटवारी साहब को बुलवाया और बाद जनता पूरे गांव एकत्रित होने के बाद मैं थाना FIR करवाने गया तो मुझे TI महोदय ने कहा कि खरीदी प्रभारी प्रबंधक जो हैं वो पूरे मूल्यांकन कर्मचारी के द्वारा किया गया अपराध, वह मेरे को लिखित रिपोर्ट प्रेस करे, मैं त्वरित कार्रवाई करूंगा। जन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कार्रवाई करूंगा। तुमने सेल्समैन को मिलाते हुए देखा रे तुम? हाँ, मेरा नाम राजेश यादव है, सहायक आपूर्ति अधिकारी लालबर। कैसी क्या घटना है सर यहाँ? मुझे सूचना मिली थी कि बहेगांव धान उपार्जन केंद्र में धान का जो स्टोर करके रखा हुआ है उसमें धान प्रभारी के द्वारा जी मिट्टी वगैरह की मिलावट की जा रही है। मिट्टी या मुरूम? मिट्टी की मतलब रेत की मिलावट की जा रही है। आपके निरीक्षण में क्या पाया गया? आपके निरीक्षण में क्या पाया अभी आपने निरीक्षण किया? अभी निरीक्षण में ये पाया गया कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। सभी जो जो ढेरी लगी हैं लगभग 8-10 ढेरियाँ लगी हैं जी, और कुछ बोरों में भी पत्थर वगैरह छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और नीचे शायद रेत भी दबी हुई है जी, है ना। तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा ये सब इनके द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो बारिश में कुछ नुकसान वगैरह हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। नहीं तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को क्या इसके लिए हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण बना के कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पूरा कर्मचारी का हाथ है, अकेले का हाथ नहीं, पूरे कर्मचारी सोसाइटी का पूरा हाथ है इसमें। पूरे सब ऊपर तक का हाथ है, अकेले नहीं कर सकते इतना बड़ा काम। कंप्लेंट कर रहे तो पुलिस नहीं आ रही है। पूरे कर्मचारी का हाथ है इसमें, अकेले नहीं कर सकते इतना बड़ा काम।